उसके साथ हूँ आज की धरोला मंडी से आप सभी किसान भाइयों को 31 मई 2024 के मंडी की स्थिति जानते हैं। स्वागत है आप सभी का धरोला मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, मंडी के अंदर बाहर की और मंडी के गेट की रिपोर्ट, अगर आप मंडी के लिए आना चाहते हैं तो उसकी क्या स्थिति बन रही है, वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को जरूर मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ताकि आप मंडी के लिए निकलते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाए। मंडी की सबसे पहले अंदर की अगर बात करूँ तो मैंने आपको सुबह में अपडेट दी थी कि कुछ वाहन मंडी के अंदर खड़े थे, तो जिनको मंडी के अंदर खाली हो चुका है उनका माल, और वो माल भी मंडी के अंदर बिक चुका है, जो स्थिति आप देखेंगे। यानी कि दोस्तों, आज मंडी के अंदर जो भी माल था ढेर के अंदर, वो सारा बिक्री कार्य कंप्लीटेड हो जाएगा, जो भी मंडी चल रही है इसके अंतर्गत। बाकी जो माल अभी पड़ा है मंडी के अंदर, वो बॉक्स के अंदर पड़ा है। बॉक्स का इलाम जो ढेर के अंदर इलामी कार्य कंप्लीटेड होगा, उसके बाद में बॉक्स के अंदर इलाम चलेगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो किसान भाई मंडियों में, नए किसान भाई जो आ रहे हैं, उनके लिए सूचना देना चाहूँगा कि बॉक्स का नीलाम चाहे मंडी के अंदर जो शुरू होता है वो 4:30 बजे के शुरू होता है। 4:30 से 6 बजे का नीलामी टाइमिंग बॉक्स का है। चाहे लहसुन नीलाम वंचित रहा हो तो भी माल अगले दिन बॉक्स के अंदर 4:30 से 6 बजे ही नीलामी किया जाएगा। अब मंडी की स्थिति बता देता हूँ मैं आपको, यानी कि हो सकता है कभी कि अगर मंडी के एक जो सेट है उसके अंदर नीलामी कार्य हो जाए, अगर दोबारा जो लहसुन अगर खाली होता है, अगर माल बचता है, तो वो भी नीलामी कार्य 2:30 बजे ढेर के अंदर चलेगा। अन्यथा ये नहीं होगा मंडी के अंदर कि, यानी कि फर्स्ट मंडी के अंदर माल बिक गया और कुछ माल और मंडी के अंदर ढेर के अंदर बचा है, तो उसके बाद में डायरेक्टली नीलाम ढेर के बॉक्स के अंदर नहीं चलेगा। अगर कुछ माल और भी बचता है और कुछ गाड़ियाँ अगर रखती हैं और वो ढेर के अंदर जो सेकंड मंडी में माल खाली होता है वो भी अगर रखता है और मंडी की अगर टाइमिंग बचती है, तो फर्स्ट मंडी के अलावा सेकंड मंडी में अगर जो माल रहेगा वो सेकंड मंडी के अंदर बिकेगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि डायरेक्टली माल बॉक्स के अंदर बिकेगा, ऐसा नहीं है। बॉक्स का नीलामी टाइमिंग अगर 4:30 से 6 बजे का ही है, अगर उससे पहले अगर मंडी के अंदर ढेर के नीलामी कार्य अगर कंप्लीटेड हो गया, तो हो सकता है कि मंडी में 4:30 बजे से पहले नीलामी कार्य ढेर के अंदर चल जाए। लेकिन अगर जहाँ तक ही नीलामी कार्य ढेर के अंदर खत्म ना हो जाता, यानी कि टाइमिंग के अनुसार 4:30 बजे का है, इससे अगर और भी माल अगर ढेर में वंचित रहता है तो वो नीलामी कार्य वहाँ पे पेंडिंग रहेगा दोस्तों माल। बाकी अगर पूरी तरह से हो पाया तो ही नीलामी कार्य 4:30 से 6 बजे बॉक्स के अंदर चलेगा। बॉक्स की फैक्ट टाइमिंग है 4:30 से 6 बजे का, इस पर आप ध्यान दें। मंडी के अंदर की बात करता हूँ तो सारा माल बिक जाएगा ढेर के अंदर, मात्र जो रहेगा कभी हो सकता है कि बॉक्स के अंदर, क्योंकि बॉक्स का माल मंडी के अंदर लगभग 2,500 बॉक्स के आसपास में मंडी के अंदर अभी पड़े हैं, जिनका नीलामी कार्य अभी शुरू हुआ नहीं है। मंडी के गेट पर अभी कोई भी वाहन नहीं है। जो भी किसान मित्र मंडी के लिए आना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, कोई भी वाहन गेट पर नहीं है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।